कुर्मी विकास मोर्चा की ओर से प्रेस वार्ता रखी गई है। प्रेस वार्ता के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है या जेएमएम है, तीनों पार्टियों से कुर्मी समाज की ओर से अपील की जा रही है कि आने वाले 10 तारीख को जो राज्यसभा का 2 सीटों पर चुनाव हो रही है, उन दोनों सीटों पर राष्ट्रीय दल कुर्मी जाति से प्रत्याशी दे। हम लोग इसलिए ये बात कह रहे हैं क्यों देश की आज़ादी के बाद या झारखंड अलग होने के बाद से आज तक सभी जातियों से राज्यसभा सदस्य के लिए भेजा गया है, लेकिन कुर्मी जाति से एक भी प्रत्याशी आज तक नहीं दिया गया है। ये कुर्मियों के साथ अन्याय है। जबकि सब पार्टी लोग जानते हैं कि एक बड़ी आबादी है कुर्मियों की, एकल जाति में झारखंड में सबसे बड़ी आबादी कुर्मी की है। 23.5% आबादी झारखंड में है, एक बड़ी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करती है। उसके बावजूद सभी पार्टियों ने आज तक कुर्मी जाति को दरकिनार करके रखा है। इस बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, और नहीं मानेगी ये पार्टी तो हम लोग प्रदेश कार्यालय का घेराव भी करेंगे। जेएमएम का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, तीनों पार्टियों का प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय का हम लोग घेराव करेंगे, और प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी हम लोग 2-3 दिन के अंदर मिल के और मांग पत्र देंगे कि आप लोग कुर्मी जाति से इस बार प्रत्याशी दिया जाए। बहुत हो गया है, हम लोग बहुत सहते आए हैं सभी दृष्टिकोण से। केवल वोट बैंक बना के रखा है यहाँ, कहिए तो कुर्मियों को इस राज्य में सिर्फ धांगर के रूप में यूज किया जा रहा है। अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी कीमत पर। हम लोग इस बार अगर टिकट नहीं दिया जाता है, हम लोग यहीं से आंदोलन शुरू करेंगे, और जो पार्टी कुर्मी जाति को दरकिनार करेगा, हम लोग उस पार्टी को भी राज्य से दरकिनार करने का पूरा प्रयास करेंगे। विनोद बाबू को झारखंड पितामह का दर्जा देने की मांग को लेकर धनबाद बलियापुर से पद यात्रा हुई थी 5 दिनों का, और 5 मांगों को लेकर हुई। राज्य सरकार से 2-3 बार उसके बाद भी मिला गया है, पहल करने का आश्वासन सिर्फ मिला है, अभी तक कोई काम नहीं हो पाई है। हम लोग देख रहे हैं कि जितना जल्द हो सके, उन लोगों को जैसा आश्वासन दिए हैं, अगर नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन उस पर फिर चल करेंगे और राज्य सरकार को बाध्य करेंगे कि विनोद बाबू को झारखंड पितामह का दर्जा दिया जाए। शीतल ओदार, केंद्रीय अध्यक्ष, कुर्मी विकास मोर्चा। झारखंड की आवाज़ YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज़।